सरोज सबका मुंह मीठा करा दे। चलो अब एक एक करके नाम के अक्षर बोलो। अपनी पत्नी से झूठ बोलकर मैं उन्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन उनके विश्वास से ज्यादा मैं आपकी खुशी देखना चाहता हूं, क्योंकि आपकी खुशी में ही उनकी खुशी है और आप दोनों की खुशी के लिए मैंने फैसला किया है। मैं नलिनी जी को कुछ नहीं बताऊंगा। अमृत को आपका बनाने में मैं आपके साथ हूं। वीर बताइए क्या है आपकी योजना, मैं उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। वीर तो बस समझ लीजिए पापा, आज का दिन उन दोनों के अब तक के साथ का आखिरी दिन होगा, एक दूसरे के साथ का आखिरी दिन होगा। अलविदा। वीरे आखिर तेरा ब्याह हो ही गया वश्मा के साथ। अरे नहीं नहीं उदय, पहले रानी माँ और विजेंद्र जी का आशीर्वाद लो। अरे नहीं नहीं उदय, खुश रहो। और अब उस नेक इंसान का आशीर्वाद लो जिसने तुम दोनों को सचमुच मिलाया है। कुंवर वीर प्रताप सिंह। हम इतने भी बड़े नहीं होंगे, पर हां दिल से मेहमान है।
कभी भी हमारी जरूरत हो तो याद रखिएगा, हम बस एक आवाज के फासले में। अरे आज लाला जी होते तो कितने खुश होते ना, उनके दोनों बच्चों के अच्छे रिश्ते हो गए, अच्छे घर में, उदय का वशमा के साथ और हमारी अमृत का वीर साहब जैसे महान इंसान के साथ। अब अगर दूसरों के लिए तालियां बजाना हो चुका हो तो अपनी किस्मत का फैसला भी सुन लीजिए। शायद आपके पीए साहब को मालूम नहीं कि आज चुनाव के नतीजे घोषित होने वाले। क्यों नहीं? नहीं जनाब, बहुत अच्छे से याद है। देखिए वक्त होने ही वाला है, तो चलिए हम सब रेडियो के पास चलते। रानी माँ, अरे रे रे, माफ करना, गलती से गलती हो गई, जैसे उस दिन तुमसे हुई थी। ये क्या बदतमीजी है? रानी माँ, रहने दीजिए, गलती से धक्का लग गया। आप इनका पक्ष लेना बंद कीजिए, हमें गलती और जानबूझ के किए गए में फर्क समझ में आता है। रानी माँ रहने दीजिए, वो क्या है ना कि कसूर भाभी का नहीं, मेरी अच्छाई का। लेकिन हर बार अच्छा बन के नहीं रहूंगा मैं। अब चलिए ना। पापा, रणधीर ने सबके सामने सरोज को धमका के हमारा काम आसान कर दिया। वैसे अच्छा ही है, अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपने देखा ना, अमृत के साथ साथ वो रानी माँ की जिंदगी में भी हमारी जगह ले रहा है। आज रात को काम हो जाना चाहिए। हाँ पापा, इस बार हम नहीं हारेंगे। अमृत और रानी माँ दोनों को छीन के रहेंगे उससे। क्यों पीछे पड़ी हैं आप रणधीर के? देखिए परछाई जी, मैं आपसे ये आखिरी बार कह रही हूँ कि आप ना अपनी ये घटिया हरकतें बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत हो गया है। आप अमृत क्या बोल रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ फिर जी, क्या गलत कहा है मैं? अमृत तो उस बंदी की तरफदारी कर रही है जिसने तेरी परछाई को जानबूझ के गोबर में धक्का दिया। परछाई जी, वीर जी, रणधीर ऐसा कभी कर ही नहीं सकते, मुझे मुझे पूरा भरोसा है उन पर। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। देख बस कर, वो ना मुझे जरा भी पसंद नहीं करता, मुझसे बदले लेने के तरीके ढूंढता रहता है हमेशा। जिस दिन तेरे परजाई के साथ कोई बड़ा कांड हो जाना, उस दिन समझ में आना है तुझे कि चलो जी अपनी घरवाली को घर ले चलो। एक मिनट जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आपके लिए तो हमने आज महल में खास इंतजाम किया है, कुछ शाही रस्में होंगी, कुछ नाच गाना होगा, हमें भी तो मौका दीजिए ना नई जोड़े के साथ कुछ समय बिताने का, फिर उन्होंने हमेशा आपके साथ ही तो रहना है ना। चल वशमा, मैं इन्हें लेकर चलती हूँ। लो जाओ बेटा, आइए चली, चली, एक मिनट, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ खा पी के जाइए, ऐसे खाली पेट मत जाइए, और हाँ ये महल को अपना समझिए प्लीज।
अरे वीर, चलो चलो जल्दी चलो, रेडियो पर चुनाव के नतीजे घोषित हो रहे हैं। अब चलो पापा। और इसी के साथ ही उत्तरी दिल्ली से श्रीमती नलिनी देवी ने ये चुनाव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रमाकांत सूर्यवंशी को पूरे 367 वोटों से हराते हुए जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको रानी। आपको भी, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। बधाई हो मां, हमारा आप जीतने के लिए बने। खीर, मैं जानती हूं आपको और रानी मां को दोनों को खीर बहुत पसंद है। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। आज के दिन रानी मां के लिए इससे बेहतर तोहफा नहीं हो सकता। आप जल्दी से जाके उनका मुंह मीठा करवाइए और हमारी तरफ से भी बधाई दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, रानी मां आपकी मां है, तो उन्हें बधाई भी आप ही देंगे। ये पकड़िए और जाइए। नहीं नहीं, हमने आज तक कभी ये सब नहीं, कितना अजीब लगेगा। अरे वाह, रानी मां को बधाई देने के लिए आप खुद उनके लिए खीर लाए। क्या बात है, जाइए जाइए, खुद उन्हें खिलाइए, जाइए। रणधीर, नलिनी जी, मैं सोच रहा हूँ चुनाव जीतने की खुशी में पार्टी अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना तो बनता है ना। मैं सोच रहा था अगर हमारा कोई खास आदमी एक अच्छा सा तोहफा लेकर जाए, रणधीर से बेहतर कौन हूँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं विजेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है रणधीर? आप जी रानी मां, जैसा आप कहें, मैं अभी निकल जाता हूँ। और रास्ते में से एक अच्छा सा तोहफा भी ले लूंगा। वो तोहफा खुद पार्टी अध्यक्ष जी के हाथ में देना और उन्हें हमारी तरफ से धन्यवाद भी कहिएगा। लेकिन उसके बाद आप सीधा घर आएंगे, आपके बिना हम दावत नहीं करेंगे। जी रानी, जैसा आप कहें। ओहो, विक्रम जी इसी वक्त यहां से निकल जाएंगे। माफ कीजिएगा, ये आपके तो कपड़े बिल्कुल खराब हो गए। खत्म सिंह, खत्म सिंह, संभाल के भैया। सीधा चलते चलते आप रास्ता भटक गए। क्या करें, कभी कभी दूसरों को रास्ते पे लाने के लिए खुद भटकना पड़ता है। खत्म सिंह, खत्म सिंह, इनके कपड़े खराब हो गए, इन्हें जल्द से जल्द दूसरे कपड़ों में। जी आइए मेरे साथ। खत्म सिंह, आ छोटे भाई, कितना जच रहा है आप पे ये कलर। एक में एक में स्कॉलर, वेरी नाइस, बढ़िया लग रहे हो।
रानी माँ, बस मैं यूं गया और यूं आया। जी चलता हूं। गलत, तुम गए तो गए, वापसी का दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद। मैं अपने काम को अंजाम देने के लिए तैयार हूँ वीर सर। रणधीर रायजादा को कुंवर वीर प्रताप सिंह का आखिरी सलाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.